यहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुर्ती की कटिंग करने के दो तरीके बताऊंगी। आप इन दोनों तरीकों से बहुत ही आसानी से अपनी कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। ये वीडियो बिगिनियर्स के लिए है, जिनको कटिंग करने में दिक्कत आती है उनके लिए हम अलग अलग तरीके से वीडियो बनाते हैं। आपको इनमें से जो भी तरीका ईजी लगे आप उस तरीके से अपनी कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो मैं आपको दो तरीके बताऊँगी इन दोनों तरीके से आप अपने एक जैसे प्रिंट वाले कपड़े पे कटिंग कर सकते हैं, प्लेन कपड़े पे कटिंग कर सकते हैं। अगर आपका कपड़ा डिजाइन वाला है, जैसे किसी कपड़े के ऊपर डिजाइन बना हुआ आता है, जैसे किसी की नेक पे बना हुआ आता है, स्लीव पे बना हुआ आता है, नीचे बॉर्डर पे डिजाइन बना हुआ आता है, उस सिचुएशन में आपको अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग ही कटिंग करनी होती है। मैं आपको एक जैसे प्रिंट वाले कपड़े पे कटिंग करना बताऊंगी। मैंने एक जैसा प्रिंट वाला कपड़ा लिया है और इस कपड़े पे मैं आपको दो तरीके से कटिंग करना बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको इतनी लंबाई का कपड़ा लेना है जितनी आप कुर्ती की लंबाई रखना चाहते हैं। मैं अपनी कुर्ती की जो लंबाई है वो 46 इंच तैयार रखूँगी और 3 इंच मैंने नीचे एक्स्ट्रा लिया है, जो हम नीचे फोल्ड करेंगे, नीचे की बॉर्डर की फोल्डिंग के लिए। और ये मैंने डबल कपड़ा लिया है, यानी कि बैक और फ्रंट दोनों साइड हम एक साथ में कटिंग करेंगे, तो मैंने ये डबल करके रख लिया है। यहाँ पे मैंने कपड़े की 4 लेयर बना ली है, ये आप देख सकते हैं। मैंने इसको चौड़ाई में से भी फोल्ड किया है और लंबाई में से भी फोल्ड किया है। अब इस पे हम कुर्ती की कटिंग करेंगे और पहले मैं आपको सीधे कपड़े के ऊपर कटिंग करना बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको उल्टे कपड़े पे कटिंग करना बताऊंगी। क्योंकि हम एक ही जैसे सीधे कपड़े पे हम एक साथ में कटिंग करना बताएंगे तो जो हमारे मार्क हैं वो मिक्स हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले मैं आपको सीधे कपड़े पे मार्क करके बताऊंगी, उसके बाद में उल्टे कपड़े पे मार्क करके कटिंग करना बताऊंगी। तो मैंने ये सीधा कपड़ा रख लिया है। अब सबसे पहले हम अपनी कुर्ती का मेजरमेंट करेंगे। इस पे जो भी आपका माप है वो मेजरमेंट आपको करना है। तो यहाँ पे हमारी कुर्ती का शोल्डर है 14 इंच, तो यहाँ पे मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी, 14 का आधा करेंगे 7 इंच, और यहाँ पे हम आधा इंच यहाँ पे सिलाई के लिए मार्जिन रखेंगे। इसके बाद हम 7 इंच पे नीचे आर्म होल का निशान लगाएंगे और देखिए यहाँ से हम चेस्ट का माप लेंगे। चेस्ट हमारी 36 इंच है, 36 का हम चौथाई भाग 9 इंच लेंगे और यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसके बाद यहाँ पे भी हम 6.5 से 7 इंच तक निशान लगा सकते हैं, मैंने ये 6.5 पे लगाया है। और कमर हमारी है 32 इंच, 32 का हम चौथाई भाग निकालेंगे 8 इंच, और इसमें भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लिया है। अब देखिए यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 22 इंच पे, आप चाहें तो 21 पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं छोटा चाक पहनती हूँ तो मैं 22 पे लगा लूँगी। अब हिप भी हमारे 36 इंच है, तो हिप का माप भी हम लेंगे यहाँ पे 9 इंच और इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। सॉरी, हिप हमारे 40 इंच है, तो यहाँ पे हमने चौथाई भाग 10 लिया और उसमें हमने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है हिप की जगह पे। अब यहाँ से हम इन निशानों को मिला देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिलाना है, वो गलती से वहाँ पे निशान लगा है, ये गलती से लगा है, हमको यहाँ पे मिलाना है। इसके बाद हम बाहर वाले निशान को भी ऐसे मिला देंगे और यहाँ से हमारी जो कुर्ती की चौड़ाई है वो हम नीचे से 20 इंच रखेंगे, तो ये 20 पे लगाया और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम यहाँ से देखिए, जो यहाँ पे हमने आर्म होल के लिए निशान लगाया है, तो पहले हम शोल्डर को नापेंगे। शोल्डर हमने रखा है 7.5 इंच, तो यहाँ पे हम 6.5 पे ही लगाएंगे,
1 इंच हम अंदर की तरफ लेंगे और ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ पे हम इसमें गुलाई देंगे, ये देखिए, और एक गुलाई हम बैक साइड के लिए देंगे। बैक साइड के लिए हम इस तरह देंगे, यहाँ से आधा पौना इंच हम इसको बाहर की तरफ रखेंगे बैक साइड को। अब ये मैंने अपनी कुर्ती का मार्क कर लिया है, यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले मैं आपको इसकी स्लीव का जो माप है उसका मार्क करके दिखा दूँ। तो देखिए, हम स्लीव की जो लेंथ है वो हम तैयार रखेंगे 18 इंच, और यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जो हमारी ऊपर सिलाई में और नीचे फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 20 इंच पे ये निशान लगाया है, और मैं अपनी स्लीव की लूजिंग है जो मैं 10 इंच तैयार रखूँगी, तो यहाँ पे मैंने 5 पे लगाया और इसमें मैंने नीचे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारी चेस्ट है उसका हम पांचवा भाग निकालेंगे, तो 36 इंच का पांचवा भाग निकालेंगे तो 7.2 आएगा, तो यहाँ पे मैंने 7.5 पे लगाया है। अब जितना हमने कुर्ती में बढ़ाया है 2 इंच, वहाँ उतना ही हम अपनी सिलीव में भी बढ़ाएंगे ताकि हमारी सिलीव जोड़ती समय छोटी ना पड़े। अब इसमें हम इसे गुलाई देंगे, और इसके बाद हम यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे, ये देखिए। अब यहां से हम इसमें हल्की सी गहराई देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया है, अगर इस तरीके से आप कटिंग करना चाहते हैं तो देखिए, ये हमारी कुर्ती है, ये आप देख सकते हैं बैक और फ्रंट दोनों साइड, और ये हमारी स्लीव है। तो यहाँ से आप इसकी कटिंग कर लीजिए बाहर वाले निशान पे से। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने ये फ्रंट साइड में गहराई दी है, यहाँ से आप इसकी कटिंग कर लीजिए। यहाँ से ये हमारी स्लीव की कटिंग हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ से इस बाहर वाले निशान पे से कटिंग करके, और फिर फ्रंट साइड में इस निशान पे से कटिंग करनी है। तो एक तरीका ये हो जाता है, आप इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो इसमें आपकी स्लीव है जो उसमें जॉइंट आएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये 20 सेंटर में आपकी स्लीव पे जॉइंट आएगा, या आप देख सकते हैं यहाँ से ये 4 लेयर हैं, तो यहाँ पे इसमें सिलाई आएगी। जैसे हमारी स्लीव में यहाँ पे जो जॉइंट होता है, उस तरीके से यहाँ पे इसमें भी जॉइंट आएगा आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो। लेकिन बहुत ही इजी तरीका है, आप कर सकते हैं, जॉइंट कोई भी बेकार नहीं लगता है, और ये हमारी बैक और फ्रंट के लिए कटिंग हो जाएगी। अब मैं आपको इसी कपड़े के ऊपर दूसरा तरीका बताऊंगी, ये मैंने आपको मार्क करके बता दिया है। अब इस कपड़े को हम उल्टा करेंगे, ये कपड़े की चौड़ाई है और ये लंबाई है। अब सबसे पहले हम इसको लंबाई में से ऐसे मोड़ के रखेंगे, ये देखिए, और इसके बाद अब हम एक साइड से इसमें से अपनी कुर्ती के लिए कपड़ा निकालेंगे बैक और फ्रंट के लिए। यानी कि जितना हम नीचे घेर रखेंगे उतनी चौड़ाई का कपड़ा इसमें से हम कट कर लेंगे। मैं 20 इंच अपनी कुर्ती की चौड़ाई रखूंगी और 3 इंच मैं इसमें एक्स्ट्रा लूंगी, जो दोनों साइड हम चाक मोड़ेंगे उनके लिए। तो यहाँ पे मैं 23 इंच पे से इसकी कटिंग करूंगी। इस कपड़े में से हम स्लीव बनाएंगे और इस कपड़े में से हम बैक और फ्रंट की कटिंग करेंगे। अब हम इसको ऐसे खोलेंगे और लंबाई में से हम इसको ऐसे मोड़ के रखेंगे। ये मैंने डबल कर लिया है, ये आप देख सकते हैं, अंदर की तरफ सीधी साइड है और बाहर की तरफ उल्टी साइड है। अब इस पे हम अपनी कुर्ती के मेजरमेंट के हिसाब से मार्क करेंगे, तो मेजरमेंट हमारा वही रहेगा जो पहले था। यहाँ पे हम 7.5 इंच पे शोल्डर का निशान लगाएंगे, 14 इंच तैयार है,
तो हम सिलाई के लिए मार्जिन रखेंगे तो 7.5 पे लगाएंगे। नीचे की तरफ भी हम 7 इंच पे लगाएंगे आर्म होल का। इसके बाद हम अपनी चेस्ट का माप लेंगे, तो चेस्ट हमारी जैसे 36 इंच है, 36 का हम चौथाई भाग 9 इंच पे लगाएंगे। और इसके बाद हम इसमें भी 2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा रखेंगे। अब यहाँ पे 7 इंच पे लगाएंगे और यहाँ पे 8 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि 32 हमारी कमर तैयार है, 32 का चौथाई भाग 8 इंच होता है, तो यहाँ पे हम 8 इंच पे लगाएंगे और यहाँ पे भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब यहाँ से हम 22 इंच पे हम जो हिप है उसका निशान लगाएंगे। आप चाहें तो 21 इंच रख सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारी हिप है वो 20 इंच है, तो 20 यानी कि 40 है, 40 का हम चौथाई भाग 10 इंच रखेंगे और यहाँ पे 1.5 इंच हम ये एक्स्ट्रा रखेंगे। हिप की जगह पे हम 1.5 इंच रखेंगे, क्योंकि यहाँ से मैं इसको नॉर्मल फोल्ड करूँगी। अब इसके बाद हम सभी निशानों को एक दूसरे से ऐसे मिलाएंगे। ये बाहर वाला निशान है जो हमारा कटिंग का है, और अंदर वाला निशान हमारी सिलाई का है। अब यहाँ पे हमने 7.5 इंच रखा है, तो नीचे की तरफ हम 6.5 इंच रखेंगे। ये देखिए, और अब इसमें हम गुलाई देंगे और इसके बाद बैक साइड के लिए गुलाई देंगे। तो देखिए, ये बैक साइड का आर्म होल है और फ्रंट साइड का यहाँ से कटिंग करेंगे, और यहाँ से भी हम इसमें हल्की सी शेप देंगे। तो ये मैंने अपनी कुर्ती के बैक और फ्रंट के लिए मार्क कर लिया है। अब यहाँ से भी हम इसको सीधा कर लेंगे। अब मैं आपको इसकी जो बाजू है उसके लिए भी मार्क करके बता दूं, फिर उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो देखिए, ये मैंने कपड़ा लिया है, ये डबल कपड़ा है, ये आप देख सकते हैं। अब इसको हम यहाँ से ऐसे मोड़ेंगे, ये देखिए। और सबसे पहले हम अपनी जो बाजू है उसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हमारी जो सिली हुई है वह 18 इंच तैयार रहेगी, तो 20 इंच पे मैं ये निशान लगाऊंगी, 2 इंच मैं इसमें एक्स्ट्रा रखूंगी। यहाँ पे 10 इंच है, तो 10 का हम 5 लेंगे और 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे हम अपनी चेस्ट का जो चौथाई भाग पांचवा भाग है, पांचवा भाग निकालेंगे। तो हमारी चेस्ट 36 इंच है, तो 36 का जो पांचवा भाग है 7.2 आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे 7.5 पे लगाऊंगी, ताकि हमारी सिलू जोड़ती समय कम ना पड़े, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखूंगी। और जितना हमने यहाँ पे लिया है 2 इंच, यहाँ से भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हमारी सिलू बिल्कुल परफेक्ट आएगी। यहाँ पे अगर आप कम रखते हैं तो आपकी सिलू जोड़ती समय छोटी पड़ जाती है, तो इसलिए लूजिंग आपको जितनी कुर्ती में रखी है उतनी आपको सिलू में रखनी है, ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ आप कम रखना चाहें तो रख सकते हैं, 1.5 इंच रख सकते हैं। यहाँ से मैंने इसमें गुलाई दे दी है। अब मैं फ्रंट साइड के लिए इसमें गहराई दूंगी, इसके बाद मैं यहाँ से ऐसे मिला दूंगी, ये देखिए। और अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। ये हमारी सिल्यू है और ये हमारी कुर्ती के बैक और फ्रंट है, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले मैंने आपको मार्क करके बताया है, लेकिन अब मैं आपको पूरी कटिंग करके भी दिखाऊंगी। अब यहाँ से देखिए, हम दोनों सिलियों के एक एक भाग उठाएंगे जो आगे की तरफ आएंगे, और एक को हम नीचे की तरफ छोड़ देंगे। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से आपको जो मैंने पहले मार्क करके बताया था, पहले कटिंग का, उसमें भी आपको इसी तरीके से कटिंग करनी है। अब देखिए, ये कपड़ा हमारा इसमें से बिल्कुल फ्रेश बच जाता है। अब इस कपड़े में से आप अपने नेक वगैरह पे काम में ले सकते हैं।
छोटी कतर हमारी बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी, थोड़ी बहुत निकलेंगी, बाकी हमारा फ्रेश कपड़ा बचेगा इसमें से। यहाँ से भी बराबर कर लेंगे, यहाँ पे एक कट लगाएंगे, यहाँ पे और एक कट हम यहाँ पे लगाएंगे। अब इसके बाद देखिए, हम इसमें से बैक साइड को निकालेंगे। ये देखिए, ये बैक साइड है, इसको हम ऐसे कर देंगे और अब हम इसके यहाँ से कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये हमने अपनी बैक और फ्रंट दोनों साइड की कटिंग कर ली है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी कुर्ती का बैक और फ्रंट है और ये हमारी कुर्ती की स्लीव है। आप देखिए, जो मैंने आपको पहले तरीका बताया था उसकी स्लीव में यहाँ पे जॉन्ट आ रहा था और इसकी स्लीव में यहाँ पे जॉन्ट नहीं आया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारी स्लीव एकदम फ्रेश बनेगी और जो मैंने आपको पहले तरीका बताया था उसमें आपकी स्लीव पे जॉन्ट आएगा और आपका कपड़ा जो बचा है वो भी चार टुकड़ों में बचेगा और ये हमारा एक ही टुकड़ा बचा है, तो आपका कपड़ा भी फ्रेश निकलेगा इसमें से जो भी निकलेगा। तो आपको जो भी तरीका पसंद आया हो, जिस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं, इनमें से आप कोई सा भी तरीका आजमा सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि हमारी स्लीव जोड़ती समय कम पड़ जाती है, ये भी मैं आपको इसमें बता दूं। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम सिलाई के लिए शोल्डर छोड़ेंगे और देखिए हम इस तरीके से मिलाएंगे। मैं आपको फ्रंट वाला भाग मिला के दिखा रही हूँ। हमारी स्लीव बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी छोटी नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पर लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसकी स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाकर आप इसकी स्टिचिंग देख सकते हैं।